नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बिहार कब कौन मुख्यमंत्री श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल गफूर के बारे में। ये भी एक कांग्रेस के ही नेता थे। इनके यदि हम कार्यकाल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से लेकर के 11 अप्रैल 1975 तक रहा था। इनका जन्म जो है बिहार के गोपालगंज जिले के सरैया अख्तियार गांव में 1918 में हुआ था और ये बिहार राज्य के पहले और अब तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि ये पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अभी तक दूसरा कोई भी बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो आप कह सकते हैं कि अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम और अभी तक के ये अंतिम मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है केंद्र में राजीव गांधी सरकार में शहरी और विकास मंत्री रहे थे। यानी केंद्र में जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये शहरी एवं विकास मंत्री भी रहे थे। इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए और बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे थे। इनके मुख्यमंत्री काल में पटना में संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका गया था और उस समय ही रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या भी हुई थी। तो बिहार कब कौन मुख्यमंत्री श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात किए अब्दुल गफूर के बारे में। हम कल के वीडियो में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।